कक्षा 8 गणित का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या का परिवार है, सबसे बड़ा संख्या का परिवार कौन होगा? सम संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या? सम संख्या कहते हैं जिसमें दो से भाग लग जाए, 2, 4, 6, 8। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3। तो इसमें सभी आ जाएंगे, इसलिए सबसे बड़ा परिवार कौन हो जाएगा आपका? पूर्णांक संख्या। अब देखिए परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक है, तो यहाँ पर योग तत्समक है आपका 0। परिमेय संख्याएं इनमें से किसके साहचर्य नियम के लिए सत्य है? साहचर्य नियम के लिए आपका सत्य हो जाएगा भाग, यानी गौ नंबर। अगला सवाल है, प्राकृत संख्याएं संवृत्ति नहीं है, प्राकृत संख्याएं संवृत्ति नहीं है, तो भाग के लिए गौ नंबर आंसर होगा। अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। तो देखिए x प्लस एक्स जोड़ा जाता है तो 2x होता है, और एक्स एक्स में गुणा कीजिएगा ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स में एक से गुणा कीजिएगा तो ये आपका एक्स हो जाएगा। एक्स में एक से भाग दीजिए कट जाएगा, तो पूरा कटता है तो एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरना है, ये किस प्रकार का चिन्ह है आपको बताना था। ये जो है एक अवतल बहुभुज है, यहाँ पर अवतल भरा जाएगा। बहुभुज जिसकी सभी भुजाएँ समान होता है उसे सम बहुभुज कहते हैं। ये जो है खुला आकृति है, जैसे देखिए इधर से हम जाएंगे ऐसे, ऐसे जाकर ऐसे हम ऐसे पहुँच जाएंगे, ऐसे आकर ऐसे हम पहुँच जाएंगे, तो खुला है या बंद है, तो ये खुली आकृति है। ये जो है आपका अवतल है या उत्तल है, तो ये आपका उत्तल है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15 का वर्ग है, तो 15 का वर्ग यानी 15 × 15 बराबर कितना हो जाएगा? 225, ठीक है। 8000 का घनमूल, तो 8 के हो जाएगा 2, और 3 × 0 = 1 होता है तो 20। 4 का व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/4। -1 के पावर डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका डिग्री का मान 1 होगा।